राम राम जी सारे ने, मैं रणबीर सिंह धनखड़ और आप देखने आ रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज पीपली गांव के अंदर आपने बेरा है कि एक तारीख ने चूरमा खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता थी और हरस शिकारा जी इसके अंदर मुख्य अतिथि थे। हरस शिकारा जी से मैंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बात की और हरस शिकारा जी के सामने माँ से मांगे राम जी की जो दयनीय हालत जो किसी से नहीं छुपी हुई है उसके बारे में मैंने हरस शिकारा जी से बात की थी। तो सबसे पहले हरस शिकारा जी से जो चूरमा खाओ इनाम खाओ पाओ जो प्रतियोगिता थी इसके बारे में कुछ सवाल किए थे, तो हरस शिकारा जी ने इस बारे में क्या कहा। एक अच्छे काम की पहल यहाँ से पहले भी होती आई, आज फिर एक अच्छे काम की पहल हो रही है। हमारे बड़े भाई साहब है दम्मल फौजी शमशेर सिंह, इन्होंने लगभग 2 साल पहले चूरमा प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसको बढ़ावा देखते हुए उसके बाद अपने कंसाड़ा गांव में हुआ, उसके बाद भिलवाड़ा में हुआ, आज फिर यहाँ पे करवा रहे हैं। यानी कि अच्छा जो काम होता, अच्छे जो कार्य होते हैं, अच्छे कार्य को एक आदमी नहीं, हम सब मिलके अनेक आदमी मिलके कुछ न कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं, वही बदलाव करने की कोशिश है। भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है, जो आपके भाई आपके साथी आपके इर्द गिर्द खड़े ये सारे इंटरनेशनल हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तो जाना ही, इंटरनेशनल लेवल की बात ये है बाहर देशों में भी हमारे ही बेटे हमारे ही भाई हमारे ही काका ताऊ रहते हैं। अच्छी बात है, वे हमारी इन चीज़ों को देख के उनका मन उत्साहित होता है, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वे अपने बेटों को अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर फिर ऑटोमेटिक ही चला गया। जी इससे हट करके मैं एक प्रश्न करूँगा आपसे, आप समाज सेवा के नाम पर एक आइकॉन बन चुके हो, मतलब आपको देखकर काफ़ी हमारे युवा और भी व्यक्ति हैं प्रोत्साहित हो रहे हैं समाज सेवा के लिए, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी हर रोज़ आप समाज सेवा करते हो, तकरीबन काफ़ी बेटियों की आपने शादी करवाई है, बात भरे और भी गरीबों की आप मदद कर रहे हो, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आपको देख करके और भी प्रेरित हों? अगर सच में मेरी बात को मानते हो मेरी आवाज़ को सुन पाते हो तो मेरा संदेश यही है, हमारे हरियाणा के अंदर लगभग 6600 गाँव हैं, लगभग 6800 से 6900 ग्राम पंचायतें हैं, हर गांव में हर शहर में हर जिले में मैं ये चाहता हूं हमारे एक्टिव भाई हो, हर गांव में 5000 भाई जागरूक हो जाए, 5000 भाइया का संगठन बन जाए, इससे आप लोगों का जातिवाद दूर होगा, आपके गांव के अंदर भाईचारा फैलेगा, आपके गाँव के भाईचारे की लोग मिसाल देंगे, वे साथी मिल के 1000, 2000, 2000, 3000 रुपये इकट्ठे करके अपने गाँव के अंदर एक या दो किसी गरीब परिवार की बहन बेटी की शादी की मदद, इलाज की मदद, पढ़ाई की मदद, शिक्षा की मदद, स्वास्थ्य की मदद करके देखें। जब आप एक मदद करोगे तो आपका गांव आप पे ट्रस्ट करेगा, आपका गांव जब आप पे ट्रस्ट करेगा दूसरी मदद उससे 2 गुना स्पीड से आप कर पाओगे, जब आप अपने गाँव में 2, 3, 4 मददें कर दोगे तो इस चीज़ की आपको लत लग जाएगी, अच्छे कार्यों की लत लगती है वो आपको छोड़ती नहीं, आपका समस्त गाँव आपको सपोर्ट करेगा, आपको किसी हरस शिकारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने गांव में बाहर के आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी नेता किसी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इस हमारे का आग्रह गांव राम हो आग्रह, वह कोशिश है उस राम ने जगाने की उस गांव ने जगाने की। एक और प्रश्न था, क्या आपका संगठन काफी काम कर रहा है, मतलब प्रदेशों में काम कर रहा है, क्या हरियाणा के अंदर क्या जिला वाइज गांव वाइज कुछ इस तरह के आपका संगठन को आपने और संगठित करने का कोई प्रयास है, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बोला? मैं बताता हूं आपको, हमारे से लगभग हरियाणा के अंदर जमीनी स्तर पे 30,000 भाई जुड़े हुए हैं और अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 60,000 भाई जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मैं बताता हूँ संगठित करने का कार्य उनका होता है जिनको पार्टी बनानी हो, जिनका लक्ष्य और हो, हम तो ये है छोटी सी फेसबुक है सोशल मीडिया उसके माध्यम से संदेश डाल देते हैं, जो साथी जो भाई हमारे से जुड़े हुए हैं या हमारे को फॉलो करते हैं या हमारे विचारों से सहमत है वो वहाँ से उस चीज़ को देखते हुए अपने आप ही परमात्मा की कृपा से अगले के बार पे अगले की दर पे पहुँच जाते हैं। बस यही संगठन है हमारा, आप भी हमारे संगठन का हिस्सा हो हम भी आपके संगठन का हिस्सा हैं, भाई से भाई को जोड़ना, बहन को बहन से जोड़ना, भाईचारा बना रहे यही संगठन है। तो आपको देख करके हम भी प्रेरित हुए हैं, इस उम्र में हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ सर, क्या और भी कोई युवा प्रेरित है? सर जी आपको देख के हम प्रेरित होते हैं, मैंने आपकी कई बारी देखी आप रागनियों पे वो करते हो, मैं देखता हूँ आपकी ये चीज़ें, हम आप लोगों को देख के प्रेरित होते हैं, आप लोगों ने हमारे से पहले नाच खाना सीखा है, कोई अगर हमारे से 1 घंटा पहले भी हमारे से उसने अन्न को छुआ अन्न खाना शुरू किया तो उससे हमने कोई ना कोई शिक्षा लेनी चाहिए, और शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा देने की कोई उम्र नहीं होती, छोटा बच्चा भी हमारे को अच्छा संदेश दे देता है, तो इसलिए सीखना सिखाना ही जिंदगी है।
चिकरा साहब आपसे एक और गुजारिश थी कि आपको पता है कि मासे मांगेराम लोहार जिन्होंने अपना पूरा जीवन हरियाणवी संस्कृति के लिए दे दिया, अभी उनकी आयु तकरीबन 75 साल के आसपास में है और मेरे ख्याल से वो 18-20 साल से ही गायन में लगे हुए हैं और हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन और कलाकारों के मुकाबले उनकी जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ही दयनीय है। और शायद इस महीने में उनकी बेटी की शादी भी है, कल मैं उनसे मिला भी था तो मैंने इस बारे में उनसे बात की थी तो तब उन्होंने बोला था कि मेरे पास तो पैसे नहीं, शादी कहाँ से करूँगा, तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि चलो भाई कुछ तो हम करेंगे। कुछ आरस शिकारा जी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े समाजसेवी हैं और उन्होंने काफ़ी बेटियों की शादी और कन्यादान भी किया है, बात भी भरे हैं, तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे सर, थोड़ी बहुत अगर उनकी मदद आपकी तरफ से हो जाए तो बड़ा ना समझे, ये समझे हम उसके बेटे ही हमारे तक ये बात पहुंच गई, आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं हमारी जो टीम है हमारा जो भाईचारा उसकी तरफ से बेटी की शादी रखो, जिम्मेदारी हमारी है 51,000 रुपए नगद कन्यादान खाने पीने का और जो कुछ भी जिम्मेदारी समाज लगा हुआ, जो कुछ भी जिम्मेदारी मांगे राम जी लगाऊंगे वो जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारी है। आप बेनिफिट डेट रखे आपकी फरियाद पहुंच गई, हम आपके बेटे पूर्ण फर्ज निभाएंगे, करेंगे हरियाणवी संस्कृति को हमने खुद देखा है वो किस लेवल तक लेके गए हैं, हमने ये देखा ओवर एज होने के बाद भी उनके अंदर इतना जुनून, इतना उत्साह, संस्कृति के लिए इतना सब कुछ करना,